शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुलसी, वकील साहब, आप तुलसी, मुझे माफ करना। मैंने पैसों के लालच में आके तुमसे बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन सच तो यह है कि मुझे ऐसा कोई कानून नहीं पता है जिससे कि तुलसी धाम को बचाया जा सके। वकील साहब, आपने तो कानून की पढ़ाई की है, कोई तो रास्ता होगा, कोई लॉ होगा, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि तुलसी धाम तुम्हें वापस मिले। माधव, ऐसा लग रहा है जैसे हम भी अभी मन्नू की तरह अधर्म के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और तुलसी धाम को बचाने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तुलसी, तुम पूरे गोरबा गांव की प्रेरणा हो। जब लोग मुश्किलों में होते हैं तो तुम्हारी ओर देखते हैं, पर तुम ही ऐसे निराश हो जाओगी, कैसे काम चलेगा? तो और क्या करें माधव, सब कुछ तो करके देख लिया हमने, बड़ी मुश्किलों से एक वकील मिले थे, पर उन्हें भी कोई उम्मीद नहीं है। तुलसी, इस परिस्थिति के सकारात्मक पहलू को देखो। अरे, एक वकील ने हमारा केस ले लिया है, हमारे पास पूरे एक दिन का समय है। तुम धैर्य रखो तुलसी, मैं जाके बाकी वकीलों से बात करता हूँ, शायद कोई दूसरा रास्ता निकला है। हमने लड्डू गोपाल को वचन दिया था कि हम तुलसी धाम की रक्षा करेंगे, पर अब हम क्या करें, कैसे निकालें अपने तुलसी धाम को उस त्रिगुण सोलंकी के चक्रव्यूह से? ओए होए संपा, श्याम सुंदर जी चले गए पर अपने पीछे भक्ति की सुगंध 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 छोड़ गए। देख देख, उनके साइन में उनकी फोटो से कैसे भक्ति टप 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 कर रही है। ये तो आपकी जीत की खुशी है। लड़ी फूल, ये मेरी जीत नहीं है, भक्ति की हार है। उस श्याम सुंदर से मैंने जमीन नहीं लिखवाई, उसकी भक्ति छीन ली है। इस पेपर को तो सोने के फ्रेम में जड़वा के रखवाना चाहिए। है कैसे गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रही है, पर मैंने भी इसके अरमानों की हवा ना निकाली ना तो मेरा भी नाम फाल्गुनी नहीं है। तुम क्या मेरे अरमानों की हवा निकालोगे? एक बार मेरे पति को सब संभालने दो, फिर घर में ही तुम्हें वनवास ना दिया तो मैं भी तुम्हारी जेठानी नहीं। आग ना लग जाए। धर्म पत्नी जी, आपके बताए प्रेम मार्ग पर ही चलाऊं मैं इस बार, ना किसी को चोट पहुंचाई ना खून बहाया, फिर भी श्याम सुंदर जी अपनी जमीन मेरे नाम करके चले गए प्रेम मार्ग से। सखी तुलसी, क्यों इतने अशांत हो सखी? सखा, आप तो सब जानते हैं ना, तो फिर आप ही बताइए हम शांत कैसे हो सकते हैं? हमने बाबा से कहा था कि आप पिता धर्म निभाइए और हम पुत्री धर्म निभाएंगे, पर सखा हम करें तो करें क्या, कैसे तोड़े उस त्रिगुण सोलंकी के चक्रव्यूह को, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम
हार जीत की उलझन में फंस गई हो तुलसी, पर याद रखो हार जीत केवल हमारे चुनने पर निर्भर करता है। यदि तुमने धर्म को चुना है तो तुम्हारी जीत निश्चित है। पर सखा, अधर्म इस समय सबसे ताकतवर, सब कुछ उनके पक्ष में। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को भी यही लगा। उसकी और पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण था, मेरी पूरी सेना थी, लेकिन फिर भी जीत उसकी नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन ने धर्म को चुना था, भगवान कृष्ण को चुना था। धर्म निहत्ता होकर भी अधर्म से शक्तिशाली होता है तुलसी, इसलिए तुम्हें अब ये सोचना होगा कि तुमने किसे चुना है, और तुम्हारा मन स्वयं ही शांत हो जाएगा। सखी, सखा हमारी बात तो सुन, हमने लड्डू गोपाल को चुना है, इसका मतलब हमारी जीत ही होगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वसुंधरा जी, क्या दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती हैं आप? कलयुग में प्रभु पावरफुल लोगों का साथ देते हैं। आप भले ही अपनी आंखें मूंद लीजिए, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे कर्मों से एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है और फिर उसका दंड एक साथ मिलता है। कर्मों से घड़ा भरता है? मैंने तो सुना था कंकड़ से घड़ा भरता है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर। मैं कौवे और कंकड़ की कथा की बात नहीं कर रही, कर्मों की कथा की बात कर रही हूँ। भले ही सत्युग हो या कलयुग, मनुष्य को उसके पापों का दंड जरूर मिलता है। पर अब तक तो आए नहीं आपके भगवान मुझे दंड देने। भगवान रोज रोज नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो जल प्रलय लेकर आते हैं और तब सारे पापों का हिसाब करते हैं। इसलिए जरा डरिए उस प्रलय से। संपत जी सर का नाव तैयार रखना। वसुंधरा जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर जल पर ले आए तो आप भी तैयार रहिएगा मेरी नाव से पार उतरने को। हाँ, अंगद जी। बाबा, कितना टाइम लगेगा त्रिगुण हेरिटेज को पूरा करने में? पापा, कम से कम एक साल लगेगा। 6 महीने, 6 महीने में काम पूरा होना चाहिए। तुलसी धाम से उस श्याम सुंदर की भक्ति का नामो निशान मिटा देना चाहता हूं मैं। अधर्मस्य पंच चेनानि गर्व दुर्वचनम्, अर्थात अधर्मी मनुष्य के 5 लक्षण होते हैं, घमंड, दुर्वचन, क्रोध, अविवेक और अन्य सभी लोगों के लिए सम्मान में कमी। और ऐसे लोग ही संसार से भक्ति को मिटाने का प्रयास करते हैं, पर उन्हें ये ज्ञात नहीं कि सृष्टि का आधार ही है भक्ति, आस्था और विश्वास। इसलिए भक्ति को मिटाने का जो प्रयास करता है वो स्वयं ही मिट जाता है, चाहे वो सत्युग में हिरण्यकश्यप या त्रेता में रावण या द्वापर में कंस। जब जब भक्ति को मिटाने का प्रयास हुआ है, भक्ति और प्रगाढ़ रूप से स्थापित हुई है, क्योंकि मनुष्यता का आधार ही भक्ति है।
दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।